أكيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. खैर एवरी वन सिस्टर ट्रूली मुस्लिम कह रही हैं कि इन फॉर सच एन अमेजिंग सीरीज़ एंड दिस हदक़ा इज गोइंग टू बी अमेजिंग इन शहर अख्तर कह रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ अच्छा जकर uh, उश, कह रही हैं कि आई थिंक इज़ फ्राम आज़ाद कश्मीर मुजफ्फ़र

ज्वाइन कर रहा है सलमान खरील बड़े खुश हो रहे हैं माशा और कह रहे हैं स्टार्ट हो गया ला जी स्टार्ट हो गया माशा जी जजाक मोहम्मद अफनान इज फ्राम पेशावर सिस्टर समीना हामिद इज फ्राम यू एस ए वालेकाम वरह वर्कात सिस्टर हर शेख इज फ्रॉम अफीफा फ्राम महाराष्ट्र इंडिया वालेक्म्सम वरहमत अबरकतुब हासन इज़ फ्राम कराची सर डू यू नो हदा कराची वाली वाले पीस इज फ्राम पिशावर ओके इंडिया से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं और माशा कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं फ्राम शिजा आबाद वालिकमीस राना जी फॉर जॉइनिंग आई थिंक वी हैव वेटेड फॉर लॉन्गर टाइमअल फॉर पीपल टू जॉइन अस इन तजाखीबी अल्लाह को जय खैर दे प्लीज़ बता दें किस टॉपिक पे बात करनी है अच्छा आज का जो टॉपिक है वह हैस्मान इबन आफ़ान रदील तन हो ठीक है हम इन शह इसके लिख लिख दीजिए दीजिए टॉपिक ठीक है है जी और जो इसमें टाइटल लाइव स्ट्रीम में वो भी डाल दीजिए इनशाला चलिए हम इनशाला लिख देते हैं प्लीज मेरा भी नाम लें कौन कह रही है किरण उमर कह रही है मेरा भी नाम लें चले जी आपका भी नाम ले लिया फॉरेस्ट ट्रेडिंग के बारे में इनशाला बताते हैं पहले इनशा हम बात कर लेते हैं कि आज हम किस टॉपिक बात करना चाह रहे हैं सो so, सीरीज ऑफ इन खुलफा राशिद्दीन अलफाद्द्दीन जो चार खलफा हमारे गुजले आ, पहले हमने अबू बकर सदीक के बारे में बात की फिर हमने अब ख़ताब के बारे में बात की और आज जिन हस्ती के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है उस्मान इब्ने अफ़ान रदी अल्लाह तनो ठीक है जी और टू बी ऑनेस्ट बहुत थोड़े लोग हैं जो कि उस्मानफान रदील तारे में जानते हैं आ, ही, जितना ज़्यादा इस हस्ती इस इस जात, शख्सियत के बारे में हमें जानना चाहिए उतना ही कम हम जानते हैं डेफिनेटली हर सहाबी के बारे में हमने जो एक एक घंटे के बारे में बात की वो इट्स नॉट इनफ डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग इस लेक्चर को सिर्फ देखने के बाद ना जाएं, बल्कि इनके बारे में मज़ीद पढ़ें बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं दार ने चारों खुलफाप पे बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी हैं अलहद और उनकी सीरीज को ऑथेंटिक वे में जमा किया है और लिखा है इस तरह की मुख्तल किताबें हैं हयात सहाबा के दरख्शा पहलू भी है इस तरह की मुख्त किताबें हैं अलह सो वन आवर फॉर वन सहाबी इज़ नॉट एट ऑल जस्टिस ठीक है वी नीड टू लर्न मोर अबाउट दिस दिसन दिस पर्सन पहली चीज तो ये है कि सुमान इरफान पहले सहाबी हैं जिनके बारे में कोई किताब लिखी गई आफ्टर रसूल सहाबा ही इज़ द फर्स्ट सहाबी इमाम तिरमजी राह ने इनके बारे में किताब लिखी मनाकब ऊफमान रबीन ठीक है इनके मनाकब इनके क्वालिटीज़ uh, इनकी वर्चूज ज्वाइन इनकी ठीक है इनमें कौन कौन सी दो क्वालिटीज़ थी जो कि स्टैंड आउट करते हैं फ्रॉम एवरी Um, जी सर तो सामा फ्रॉम कनाडा ज्वाइन कर रही हैं आप लोग मुझे बताएं कि कौन कौन सी दो प्रोमिनट क्वालिटीज हैं जो कि उस्मान में पाई जाती हैं जो के स्टैंड आउट करती हैं तमाम आ, बाकी सहाबा से जी वेटिंग फॉर यू आंसर इनशा तला um, हया एंड गनी माशाल्लाह गुड आंसर अहरज अख्तर कह रहे हैं आ, खलील आ, भी कह रहे हैं जजाक आंसर अगेन हया एंड एं होना बाराकुम यस ये दो क्वालिटीज हैं जो कि प्रोमिनंट हैं और उस्मान रदीन की जो पर्सनैलिटी है उसमें स्टैंड आउट करती हैं मतलब सबसे प्रोमिनेंट हैं तमामा में से उस्मान जो कि गनी होने में यानी मालदार और खर्च करने में बहुत ज़्यादा आगे थे और साथ हयाम ही हया थे उस्मानफान जब पैदा हुए तो इनके वाल ही वॉज रिच मैन उन्होंने इनको थर्टी मिलियन दरहम्रट किए इहैरिट किए ठीक है रास्त में ले एंड जब उनको ये माल मिला तो हम लोगों की तरह या बाकी तमाम लोग जो हिस्ट्री में गुजरे उनकी तरह वो स्टेंजी और लालच वाले नहीं हो गए बल्कि ही इज फेमस फॉर मेनी इंसिडेंट्स जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा खर्च किया तबूक के मौके पे देख लें जिसको आप जिसको हिस्ट्री में गज़बा तो लोटसरा भी कहा जाता है जो कि मुश्किलों वाला गजबा था यानी उसमें बहुत परेशानी और टॉर्चर्स थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया खुतबा दिया और कहा कि कौन है तो से जो दीन के लिए खर्च करे

खड़े होते रहे हती के रवायात में आता है सात सौ से हजार कैमल्स एक ही महफिल में एक ही गैदरिंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए उस जमाने में जो ऊंट था ना आज की समझ लें आप लेमडनी है या रोल्स रॉयस है या प्राइवेट जेट है किसी का आप समझ लें इमेजिन कोई शख्स आज टीवी पे कहता है कि मैं अपने हंड्रेड प्राइवेट जेट्स या हंड्रेड लेमड़ अल्लाह के रास्ते में देता हूँ पूरी दुनिया में उसका चर्चा हो जाएगा और उसकी जो ना पर्सन के यार कमाल का इंसान है सिर्फ एक वाक्य नहीं किया बल्कि इस तरह के ढेरों वाकयात मिलते हैं हजार इन गैदरिंग, not only that, के आ और दे दिए और उनके सामने बिखेर दिए अलैहि वसल्लम उनको हाथों में ले रहे हैं अपनी उंगलियों में देख रहे हैं उनको और कह रहे हैं यहमान आज के बाद जो मर्जी करना है कर नथिंग विल डे आज के बाद तुम्हें कोई चीज तकलीफ नुकसान नहीं पहुंचाएगी जो तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च की खिदमत की है आप उनकी जनौशी की मिसालें देखिए हमें कायनात में नहीं मिलती प्रॉफिट के बाद मसद नबी की एक्सपेंशन की बारी आई बीस हजार दरहम्स ऐसे दे दिए कि मेरी तरफ से इतनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन लो ही यूज बाय एवरी फ्राइडे हर जुमे को एक बुज गुलाम खरीदते और उसको आज़ाद करते थे। अल्लाह की के तुम में से जो शख्स एक गुलाम खरीदता है यानी उसके हर उज उस और उसके हर मतलब लेम्स सर और चेस्ट और हर चीज़ के बदले उसकी अल्लाह ताला एक चीज आज़ाद कर देंगे यानी अगर एक शख्स अगर दो भाइयों ने मिलकर गुलाम खरीदा है तो आधा वो शख्स और आधा ये शख्स जन्म से आज़ाद हो जाएंगे

कि एक स्ट्रिंग से बटर को चूसा करते थे यानी बहुत ज्यादा कहत के हालात बहुत सारे बच्चे जो है ना फौत हो रहे थे जानवर मर रहे थे खेती बाड़ी नहीं हो पा रही थी वर इन मदीना मुश्किल हालात उमर खताब के दौर में उस्मान अफान का काफिला आया मुख्तलिफ मुलों से और जब काफिला मदीना पहुंचा तो मदीना में ना एक बहार आ गई कि काफिला आया है तो आप कुछ माल आएगा लेकिन उनको डर भी था कि कहीं ये माल जब स्कैसडी होती है जब किसी की डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई उसके रेट बढ़ जाता है तो उस्मान का काफिला आया और इतना बड़ा काफिला था कि मदीना भर गया उनके काफिले से यानी उनके ऊँट ही ऊंटती है और हर बंदे को पता चल गया कि उस्मान का काफिला आ गया मदीना के बड़े बड़े बिजनेस आए कुछ यहूदी भी आए कुछ मुसलमान भी आए और कहा उस्मान इरफान आप हमें दें हम आपको फाइव परसेंट प्रोफिट पे देंगे उस्मान इरफान ने कहा कि नहीं आई हैव अ बेटर डील

उन्होंने कहा एक तो हम आपके पास सबसे पहले इन्वेस्टर्स आए हैं सबसे पहले बिजनेस मैन आए और इतने कौन दे रहा है उन्होंने कहा मेरा रब मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है और कहते हैं जाओ निकल जाओ यहाँ से मैंने तमाम काफिला अल्लाह की राह में इसको सदका कर दिया मेरा रब मुझे सेवनटी परसेंट से लेके सेवन हंड्रेड से लेके इनफिनाइट परसेंटेज प्रॉफिट देगा मुझे मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं और तमाम का तमाम काफिला अल्लाह की राह से मैं खर्च कर दिया एक और इंसिडेंट जिसमें मुसलमान मदीना आए थे और वो जो बेल रोमा था रोमा का जो वेल था वो ज्यू के पास था उस डील की और उसके मुंह मांगे दाम अदा किए कि एक दिन मैं लूंगा एक दिन तुम लेना और जब उस्मानरफान ने लिया तो क्या किया उस दिन फ्री कर दिया अब ज्यू के दिन कोई लेता नहीं था और उस्माम का जो दिन था उसमें सब आके इवन ज्यूज और मुसलमान तमाम अपने जानवरों के लिए वहां से भर जाते थे तो ही वॉज एट अ लॉस लेकिन उसी मजबूरी का भी फायदा नहीं उठाया उसके मुंह मांगे दामों पर दोबारा उसे वो वेल परचेज करके मुसलमानों के वह नाम कर दिया सो so, ये तो ये चीजें हैं जो हम जानते हैं उस के बारे में। जलील जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं रसोल कहते हैं उस के बारे में अपनी बेटी को उमिक को किसुम ओ, 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 और ये उमिक वो हैं जिनकी शादी बाद में

ही फील्स ये हालत और इतने खूबसूरत और मालदार थे कि द वेन ऑफ मक्का यूज टू अप्रोच हिम और उनको वो चाहती थी और पसंद करती थी कि आप हमारे पास आए आप हमें टाइम दें आप सब शादी करें लेकिन ही वॉज फुल ऑफ शाइनेस एंड फुल ऑफ हया कि कभी उनको बुरी नज़र से नहीं देखा ना कभी उनको आउट ऑफ द वे जाके यानी हराम तरीके से लिफ्ट नहीं कराई उनके पास गए नहीं और अपनी चास्टिटी को बचा के रखा ये वो सहाबी हैं जो कहते हैं कि जब से मैंने वसल्लम के हाथ अपना हाथ रखा उसके बाद से मैंने अपने दाएं हाथ से प्राइवेट पार्ट्स को साथ टच नहीं किया बोलने में पर्सनालिटी में हया में पैकर थे आयशा रजीर तौना कहती हैं कि रसोल वसल्लम ही वाज इंक्लाइनिंग और वो बैठे हुए थे और उनकी जो कपड़ा था वो जो उनके थाइस तक आया हुआ था तो अबू बकर आए सलाम के और बैठे और आप से बातें करना शुरू हो गए उमर बिलखताब आए बैठे उनसे अल... आप बातें करना शुरू हो गए और फिर जब उस्मान ऊस्मान रफान आए तो रसूल रसोस ने अपने आप को सीधा कर लिया और अपने कपड़े को नीचे तक पिंडलियों से नीचे तक कर लिया यानी पिंडलियों तक कर लिया और टखनों से ऊपर तक कर लिया और बातें करना शुरू हो गए तो जब सब चले गए तो हजरत आयशा हैरान थी और कहती हैं कि यह रसोलस हम जानते हैं कि अबू बकर और उमर का रुतबा तमाम सहाबा से अफजल है वो सब सहाबा से आला और अफजल है इवन उस्मान से भी ज्यादा लेकिन जब मेरे बाप आए अबू बकर आप ने अपना पोस्टर चेंज नहीं किया जब उमर में खतब है तब तभी आपने अपने पिंडलियों पर कपड़ा नहीं डाला लेकिन विद उस्मान कहते हैं या आयशा अल्लाह तस्तही तस्ताहीजुल

खुल, खुल इस्लाम अल हया हर दिन का कोई ना कोई कैरेक्टर है कोई ना कोई एक बात है और इस्लाम की जो बेसिकली जो पॉइंट है जो डेस्ट है वो हया है एक साहबी दूसरे साहबे से बात कर रहे थे और कह रहे थे तुम बहुत शाए हो तुम बहुत यू you नो know, तुम्हें बहुत शाइनेस है तुम किस तरह दुनिया में गुजारा करोगे तुम किस तरह चलोगे जैसे हम लोग कहते हैं ना तुम बोल्ड नहीं हो तुम स्मार्ट नहीं हो मैं तुझे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डी मैं मुंह पर जो आता है बोल डालता हूँ यहाँ बड़े फखर से कहते हैं एक सहाबी दूसरे को कहते कि तुम बहुत शायद हो तुम किस तरह गुजारा करोगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसोल्लासलम से गुजर रहे थे और फरमाया कि लीव हिम अलोन हया इज अ पार्ट ऑफ ईमान हया दीन का हिस्सा है और रसूलुल्लाह ने फरमाया इदा लम तस्तही मा शेट। जब तुम्हें हया ना रहे फिर जो मर्जी करना करो यानी जब तुमसे हया चली जाए फिर तुम्हें कोई खैर बाकी नहीं रहेगी आप देखें बेहयाई को किस तरह से एडवर्टाइज किया जा रहा है आप जरा हमारे टीवी चैनल खोल के देखें और एक के बाद एक चैनल करें किस तरह से क्या एक हया वाला इंसान उसको देख सकता है आप हमारे रोड पे चले जाएं और देख लें बिल बोर्ड पर क्या कुछ लगा हुआ है कपड़े बेचने के नाम पर वेहाई फिराई जा रही है जूते बेचने के नाम पे साबुन बेचने के नाम पे कोई भी जूता बेचने के नाम पे एक औरत को ऐसे लिबास पहना के लगाया हुआ है जिससे वो ना एक ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है औरतों को इम्पावर नहीं किया जा रहा बल्कि उनको एनिमल और उनको ऑब्जेक्टिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है कि तुम्हारी बस यही हैसियत है कि तुम टाइट कपड़े पहन के लोगों के टेंशन का बायस बनती रहो और हमारा तुम्हें कोई राइट नहीं है और ये तीस पैंतीस खातन हर औरत मार्च के के दिन पे निकल आती है और एक शोर शराबा मचा होता है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट अल्लाह के बंदो रब से ज्यादा किसने वुमेन को एम्पावर किया है एक औरत ही तो है जो कि पूरा फैमिली स्ट्रक्चर बनाती है अगर औरत ना हो तो क्या हमारी जनरेशन चलेगी एक औरत ही के हाथ में तो तमाम औलाद और तमाम पांच औलादे तो पांच फैमिली तो उसके हाथ में है शादी से पहले वो बेटी है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली नहीं उस पर उसको टेंशन से बचा लिया कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से अपने घर में हया के साथ अपनी फैमिली को बनाते हुए एक नई जनरेशन को परवरिश करते हुए गुजारो क्योंकि तुम्हारे कंधों पे नई उम्मत की जिम्मेदारी है एक एक आने वाली उम्मत की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल बर्डन से ही हटा दिया बाप शादी से पहले बाप की जिम्मेदारी शादी के बाद शोहर की जिम्मेदारी शोहर की जिम्मेदारी वो लाए उसकी इज्जत करे उसको खिलाए पिलाए लेकिन हम लोगों ने क्या बना लिया इस दिन को और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे और ऐसे स्वीट यू नो शुगर कोटेड पे हमने बेहाई को है। मतलब अजीब अजीब मेरा जिसमें मेरी मर्जी जैसे जो स्लोगन्स हैं अल्लाह माफ करे ये क्या कर रहे हैं मतलब एक औरत कह रही है कि जो मर्द मुंह से गाली निकाल रहा है और गाली दे रहा है मैं भी वो देना चाहती हूँ मतलब आप इसमें मर्दों से करीब होना चाहती हैं अगर मर्द ये काम कर रहे हैं तो आपको भी इस तरह मर्द अगर किसी अंदाज में या में बैठे में आपको बैठना है आप ही चाहती है ये इम्पावरमेंट है ये इक्वल राइट है जब इंसान का दिमाग खराब हो जाए ना ही फस नमाशह जब तुमसे हया निकल जाए फिर जो मर्जी करना करो अल्लाह के नबी फरमाया कि जब इस मेरी उम्मत में मेरी कौम में बेहयाई को एडवर्टाइज किया जाएगा फैलाया जाएगा उसको छुप छुप के नहीं किया जाएगा और लोग सोशल मीडिया पे सबके सामने बेहद को आम करेंगे तो फिर अल्लाह साल इस कौम में वो वो बीमारियां नाजिल करेंगे वो वो डिजीज़ेस नाजिल करेंगे कि जिनका पिछली उम्मतों ने कभी नाम नहीं सुना होगा और ये हम बात करते थे दो तीन साल पहले कोविड तो उस टाइम उसका नामो निशान नहीं था अब तो आप देख लें हमारे और बेहतरी की वजह से कैसी कैसी बीमारियां पे नाजिल की जा रही हैं पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई और ये इतने बड़े लॉकडाउन के बाद इतने बड़े के बाद अब भी हम समझे नहीं फिर कौन सी चीज है जो कि हमें सीधा करेगी हा हा उला इल, हा उला फमाल ला हाउलाउम लादून हदीसा ये कैसी कौम है कैसे लोग हैं इनको कोई बात समझ ही नहीं आ रही बड़े से बड़ी आफत बड़े से बड़ी मुसीबत इनको सीधा ही नहीं कर रही कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिलों पे काले धब्बे लगते जाएं और फिर हमें मोहल्ला दे दी, दी जाए कि इनको फिर एक ही दिन पकड़ा जाएगा इससे पहले के वो टाइम आए इससे पहले कि हमारी तबाही और बर्बादी आए हमें

जो कि हमें 1400 तो साल पहले अल्लाह के वसलम ने बताया लेकिन हमें की बात समझ ही नहीं आती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हया वल ईमान कुरिना वा जमिया फ रूफ़ रूफ़ी आखर हया और ईमान दोनों एक ही चीज है एक ही चीज है यानी एक ही सासत होती है जमा कर दी गई है जब एक चीज जाती है दूसरी भी चली जाती है हया जाएगी तो ईमान चला जाएगा और जब ईमान जाएगा तो हया चली जाएगी हमने बेहयाई, हमने एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी को ये समझा कि कपड़े उतार दो बंदरों की तरह नंगे हो जाओ जितने शॉर्ट क्लोज में पहनूंगा उतना मैं हया वाला बन रहा हूँ नॉट आट दिंग हमारा क्या हालत तो हो जा वारिस्टिंग

की जो दो बेटियाँ थीं रुकैया और उमिक रुकैया मक्का में इनकी शादी हुई हुई थी उतबा बिन अबी इब्न अबी लहब से जो अल्लाह के चाचा था अबू अबू लहब जिसको बोलते हैं उसका बेटा था उतबा उससे शादी हुई थी रुकैया की ठीक है इस्लाम लाने से पहले की बात आई है ये। तो और उनकी जो दूसरी बेटी थी उम्मिकसूम उनकी शादी हुई थी उतयबा बिन अबी लहब से उसके दूसरे बेटे से जब जबलम ने वाहदानियत का इस्लाम की की और ऐलान किया तो उसने अपने ने अल्लाह ताला की उस पे, उसने कहा कि इनकी दोनों बेटियों को तलाक दे दो और उन्होंने अपने बाप की बात मानते हुए दोनों को तलाक दे दी तो वसल्लम ने अपनी बड़ी बेटी रुकैया की शादी कर दी फौरन से उस्मान स्वामी अफान से फौरन से

We love you the way, Quraysh, लोग एक दूसरे को प्रपोज एक दूसरे प्यार मोहब्बत इस तरह शेयर किया करते थे तो इतना उनका स्टेटस और नोबिलिटी थी मक्का में और, और तमाम लोगों में रुकैया रबील जो कि कि नबीम की बेटी थी उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो बदर का मार्का होने वाला था तो उस्मान को अलाम ने रोका कि तुम रुकैया का ख्याल करो और वो नहीं जा सके एंड वट है जिस दिन बदर की फतह हुई उसी दिन रुकैया रुकैयाद की वफात हो गई दैट्स दिस डे इज नोन एज अ डे ऑफ ग्रेट जॉय एंड ऑफ सरो बहुत खुशी और बहुत गम का दिन क्यों खुशी बदर की और गम क्यों क्योंकि उस दिन रसूल की बेटी रुकैया अल्लाह को प्यारी हो गई और इनके जो औलाद थी इन इन दोनों से एक औलाद थी अब्दुल्ला बिन उस्मान कुछ ही दिनों बाद कुछ ही महीनों बाद इनकी आंख में एक बर्ड ने ना आँखें चोंच मार दी और उसकी वजह से इनको आई इन्फेक्शन होगी और उस आई इनफेक्शन की वजह से ही एज वेल और उस्मान अफान के जिंदगी में जब ये दो धचके आए दो क्लामिटीज आई तो ही बिकिम साइलेंट वो खामोश हो गए और दो साल तक वो बिल्कुल उन्होंने बातचीत लोगों से करना छोड़ दी टू कम टू द मस्जिद

फरमायास्मान वट्स एल्स रुकिए कि वफ़ात तो ठीक है समझ आती है वो बहुत बड़ा दुख थी हम सब के लिए लेकिन वट्स एल्स डेट यूर मिसिंग कौन सी चीज़ है उसके अलावा भी जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है उन्होंने फरमाया इन शरी वी बेमोतहा रसोलम मेरी जो एक आपके साथ कुर्बत थी एक जो रिलेशनशिप था जो लीनिए एक तरह से बना हुआ था कि मैं आपका सन लॉ था मैं आपका दामाद था और जो क्लोजेस थी वो खत्म हो गई वो टूट गई उनकी वफात के बाद और मेरे बेटे की वफ़ा के बाद नॉट द पीपल जो रसूल रसोल्म को प्लीज करने के लिए खुश करने के लिए ऐसी स्वीट बातें करेंटली एवरी वन यूज टू नो लव टू प्लीज रसूल रसोलम लेकिन देवर वेरी प्योर पीपल वो झूठे नहीं थे कि बटरिन हैं या करें उनकी मोहब्बत को साबित करने के लिए जबरील सल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो आसमानों से नाजिल हो गए और कहा के ओ मोहम्मद हुक्म दे रहे हैं कि आप अपनी दूसरी बेटी की भी शादी यानी अल्लाह के नबी की दो रोशनियां दो बेटियां उनकी जो हस्बैंड बने वो उस्मान खान बने सच एन ऑनर तो दूसरी शादी जो उस्मान खान ने की वो अल्लाह के बेटी उमिक से कर ली एंड सुभान अल्लाह अल्लाह तला भी अपने नेक बंदों को आजमाता है Six years later, she passed away as well. वो इस दुनिया से चले गए और फिर दुखी हो गए फिर परेशान हो गए तो अल्लाह के मिसम ने बुलाया उस्मान और प्यार मोहब्बत देखें। हिज लव और उस्मान बहुत अमेजिंग क्योंकि ये साफ सुथरे सच्चे लोग थे और अपने मोहब्बत में शदीद लोग थे जब उन्होंने अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की तो भी इनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनको बुलाया चालीस बेटियां होती और एक के बाद एक मरती जाती मैं चालीस की चालीस की तुमसे शादी करता जाता मैं चालीस की चालीस से तुमसे शादी करता जाता मैं तुम्हें अपने चालीस बेटियां दे देता अगर एक के बाद एक फौत होती जाती और मैं तुम्हें देता जाता और बेहतर रजवान के मौके पर सोल्स का प्यार और मोहब्बत देखें इन ऐसे अपने सहाबी के लिए कि जब वो उनको अंदर भेजा गया कि कुफार से निगोशियट करें और हम वो लोग उम्र के लिए आए थे तो वो अफवाह फैली किस्स्मान को शहीद कर दिया गया तो कहा कि दैट सेट दिस इज़ द लाइन इसके बाद कोई नगोशियंस नहीं अब कितल होगा अब हम ऊस्मान के खून का बदला लेने जाएंगे सी स्मान की वफ़ा वॉज दॉर्डर लाइन अब खत्म कोई नगोशियंस नहीं हमारे ऊस्मान को इन्होंने कतल किया हम उसका बदला लेंगे और तमाम से कहा कि हाँ जी कौन मेरे साथ है आज और सब सहाबा अल्लाह अकबर अपनी मौत पे बैत करने के लिए राजी हो गए और अल्लाह के हाथ पे हाथ रखा जिसको बेहतर बोलते हैं और जब सबने हाथ रखे तो ने कहा अपने हाथ को कि ये उस्मान का हाथ है अल्लाह अकबर उस्मान का हाथ है फिर तयात नाजिल कर दी है

और उन पर सकीन नाजिल कर दी और इसी बेत रजवान की वजह से वह असाबाह के उनको हमने फतह एक फतन करीबा की एक वाज और करीब फतः की बिशारा दे दी क्यों क्योंकि जब साहबा ने अपनी मौत पर बैत की और अपनी लॉलिटीज अल्लाह की नबी से शो की तब अल्लाह तला ने उनको उनकी फतह लिख दी कि आज के बाद एक फतह करेंगे और मक्का इनका होगा राय है। कहते हैं कि काश काश मैं ओसमान की जगह पे होता

फितरों को आएगा। साहब ने और मुख्तु चीजें बताई किस को फॉलो फॉलो करें, हम? हम करें? ने अपनी वफा से पहले को बुलाया और कहा कि ओ उस्मान अल्लाह योर क्लॉथ उस्मान अल्लाह ताला तुम्हें तो एक लिबास एक कपड़ा देंगे एक एक लिबास देंगे यानी क्लॉथ देंगे और मुनाफिक तुमसे वो छीनने की कोशिश करेंगे तुम उनको वो मत देना अल्लाह मी। तुम्हें तो एक कपड़े से नवाजेंगे और तुमसे छीनने की कोशिश करेंगे लेकिन उन्हें मत देना अक्सर एक बंदे की तरफ पॉइंट करते थे और कहते ये ये शख्स दिस मैन विल बी अपॉन ट्रूथ एंड गाइडेंस एंड विल to बिकॉज ऑफ ही garment. और जब वो शख्स अपना मुँह से मास्क उतारता तो ही वो उस्मान में अक्सर कहा करते हैं कि ये वो शख्स है जो कि हक और सच पे होगा हिदायत पे होगा और लोग इसको कतल कर देंगे क्योंकि वो ये अपना एक लिबास देखा यानी दे लिबास ऑफ खिलाफा हजरत आयशा बयान करती हैं कि रसोलम एक दफा उस्मान के साथ बैठे हुए थे और कहते मेरे करीब हो और जब वो करीब आते तो मजदूर करीब कान में कुछ कहते हैं कहते नाम या फिर करीब बुलाते और अपने करीब बुला के कुछ में फरमाते और उन्हें इंस्ट्रक्शन देते और फिर कहते अल्लाह तो से बार बार होता और हिदायत देते कि तुम्हारे पे मुश्किल आने वाली उस्मानी जब वो थे बूढ़े इंसान इमेजन तो अब्दुल्ला बिन साबा और इस तरह के मुख्तलिफ लोगों ने मिल के कॉन्सपरीसीज़ की और इस्लाम को डिफेम किया और खलफा के बारे में यानी खलीफा के बारे में उस्मान के बारे में र्यूमर्स फैला दिए कि ये वो शख्स है जो कि अपने क़रीबी लोगों को ओहदे दे रहा है और ये कर करार वो कर रहा है हालांकि ही वॉज़ प्योर ऑफ़ एवरी डाउट बैड क्लेम ऑन हिम ही वॉज प्योर ऑफ़ दैट बुलाया और तमाम लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया अब्दुल्ला बिन सबाह ने जो कि यहूदी था और में फितना क्रिएट करने वाला शख्स था इसी तरह का एक शख्स था उम्र में खताब के दौर में भी उसका नाम था ओसाइबीन उमर बे खताबुज्रिक्ट फरमाया था यह फितनों के लिए सामने दरवाजा है उन्होंने उस बंदे को बुलाया उसको लैश किया और उसको भेज दिया और लेटर्स भेजे कि जो शख्स इससे बात करेगा उसे लैश किया जाएगा तो अब्दुल्ला बिन सबाज जब उस बंदे से मिला और उसको कहा कि आओ मेरी मेरे यू नो मेरी पार्टी को ज्वाइन करो और इस 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 यू नो हक की जंग में मेरे साथ दो तो उसने कहा कि आई वाज टॉट अ लेसन बाय रजुल صالح मुझे एक नेक इंसान ने लेसन सिखा दिया और अपनी जब उसने कमर ऊपर की तो उसने उसको लैश पड़े हुए थे क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ कौन कर रहा था तो अब्दुल्ला बिन सबा ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और खलीफा के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी कि हम खुरूज करेंगे और हम किताल करेंगे और हम इनको ये दीन से वो चुके हैं और अजीब अजीब सही बातें करना शुरू कर दी और इकट्ठा कर दिया हती के मदीना में पहुंच गए और उस्मान ने घर का घेरा कर लिया लोगों ने और उस्मान लियामाम सुबह क्या इनका हालांकि खलीफा है अमीर है पूरे मुसलमानों के लीडर है लेकिन उन्होंने कहा कि आई डोंट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड टू बी शेड इन कॉज मैं कतरा भी खून का नहीं बहाना चाहता अपने लिए किसी कोई तलवार नहीं उठाएगा इन लोगों के खिलाफ कोई लड़ाई और किताल नहीं करेगा अली बिन अबी तालिब ने अपने दोनों बेटे भेज दिए हसन और हुसैन हसन, हसन आ, को और जुबैर बिन अलवाम इन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर को भेज दिया कि तुमने गार्ड करना है तुमने उस्मान के दरवाजे पे रहना है इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है और आज देखिए क्या, क्या, लोग बोलना शुरू कर देते हैं जाहिर है ले 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 का पता ही कुछ नहीं और जो वो लोग थे जो कि उस्मान का हरासा किए हुए थे देवर वेरी हार्ड पीपल दर्कल्ड हिज हाउस और बुरे बहुत बुरे तरीके से उनको ट्रीट

तो मालूम नहीं है कि मेरे अलावा इस घर में खातिन भी तो जब ये बात की तो उसने तोबा की और भाग के चला गया एंड ही एक और शख्स बाहर से उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए और जब पत्थर फेंगे तो उस्मानी ने कहा मुझे पत्थर क्यों फेंक रहे हो तो उन्होंने कहा कि हम पत्थर नहीं फेंक रहे पत्थर फेंक रहा है अल्लाह का आजाब है ये अल्लाह पत्थर फेंक रहा है तो उस्मान अफान ने कहा कि इफ अल्लाह वुड थ्रू मिस द टारगेट अगर अल्लाह ने पत्थर फेंका होता फिर वो कभी अपना टारगेट मिस ना करते एंड दे वर वो भी तौबा करके उस फितने से चले गए उनमें से जो एक दो लोग थे एक और शख्स आया कूद गया और उस्मान अफान ने घर के अंदर तक पहुंच गया और उनको कत्ल करने लगा तो उस्मान अफान ने पूछा कि तुम कौन शख्स हो उसने कहा कि आ, अपना नाम बताया कहा किस कबीले से हो उसने कहा मैं लई से हो बन लई आर नॉट द वन तुम उन लोगों में से नहीं हो क्योंकि अल्लाह के मेरे ने तुम्हारे लिए तुम्हारे ट्राइब के लिए दुआ की थी अल्लाह के नबी ने तुम्हारे ट्राइब के लिए दुआ की थी और जब उसने सुना तो ही रिपेंटेड एंड ही लेफ्ट एज वेल एक और शख्स आया उसने भी सेम कत्ल करना चाहा और उस माम ने उससे कबीला पूछा और कहा अल्लाह के नबी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे कबीले के लिए दुआ की थी जो मुझे मार सके और उसको भी एहसास हुआ कि ये कौन हस्ती है कौन ये शख्स है और वो भी छोड़ के चला गया उतर फरमाते हैं कि एक रकत में पूरा पूरा कुरान खत्म करते थे बहुत थोड़े सहाबा थे जो एक ही रकत में पूरा कुरान खत्म करते हैं हमारे लिए डिफरेंट है हमारा वो लेवल नहीं है ईमान का हमारे लिए शायद सारा माल खर्च कर देना भी वो नहीं रखे अबू बकर सिद्दीक कर सकते हैं माल खर्च करना हमारे लिए तीन दिन से ज्यादा कुरान पढ़ना एक दफा लेकिन सहाबा के लिए देवर पीपल ऑफ एक्सेप्शन देयर लाइफ इन डेथ वाज कुरान देयर ब्रीदिंग वाज कुरान देयर टू रिसाइट द कुरान इन वन रका अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जो आयत ना स्मान के बारे में बात हुई इस आयत में उस्मान का जिक्र और वो भी इस बूढ़ी एटी टू ईयर्स की एज तक रोजा रखा करते थे और वो दिन आया जो थर्सडे का दिन था उस्मान एटी टू ईर्स की एज के एक बुजुर्ग हैं लेकिन तब भी फास्ट करें तभी रोज़ा रखा हुआ है क्यों क्योंकि रसल सल्हलम की सुनत थी और आप सलोली वसलम रोजा रखा करते थे और वो कुरान पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कि और उनको नींद आ गई और जब नींद आई तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने खड़े हुए हैं और वो मुस्करा रहे हैं और उनके पीछे अबू बकर भी खड़े हैं और मैं भी खड़े हैं और आप सल्हन फरमाया हल मनऊ का मुजलमा क्या उन्होंने तुम्हें पानी से रोक दिया है उन्होंने कहा नाम यहाँ जी या रसोल्लाम क्या लोगों ने तुम्हें खाना खाने से रोक दिया है उन्होंने कहा जी या रसोल उन्होंने कहा क्या लोगों ने तुम्हें मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया है तो उन्होंने कहा जी या रसोल्ला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सलोली फरमाया तुफर इन बेशक आप हमारे साथ आज रात रोज़ा अफ्तार करेंगे अल्लाह अकबर इन नफ्तर आप रोज़ा अफ्तार हमारे साथ करेंगे एंड में रसुलस्मानफान जब ख्वाब से जागे तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे जो स्ट्रेंथ और एक रोशन चेहरा ही वॉज हैप्पी लोग हैरान परेशान हो गए कि 40 दिन से लोगों ने आपका खाना बंद करके रखा है आपका पीना बंद करके रखा है अल्लाह अकबर कैन यू इमेजिन 40 डेज नो फूड नो वाटर सिर्फ जो घर में सामान पड़ा था वो भी खत्म हो गया था कुछ दिनों बाद तो आप से उस ना फांग जो उनकी वाइफ थी नाइला नाइला उनसे कहा और हसन हुसैन थे उनसे कहा कि मैंने ख्वाब देखा है अल्लाह अकबर और एक ख्वाब सुनाया अपना एंड एट द वेरी सेम टाइम पीपल हिज हाउस लोग उनकी दीवारों को तोड़ के उनकी दीवारों से छलांग मारे कूद पड़े और अंदर जब एंटर हुए तो उस्मान रीडिंग द कुरान 82 टू ओल्ड मैन रीडिंग बकरा फ्रॉम द मुसफफ़ और मुसफ़ भी कौन सा जिसका जैसी किताब उस्माम ने करवाई थी अल्लाह अकबर कुरान को जमा करवाया लोग जब अंदर घुसे तो रुक गए और उनका उन पे रोप तारी कैसा इंसान है सफेद बाल एटी टू कुरान पढ़ रहा है सच खुशु इन रीडिंग द कुरान दे, दे स्टॉप्ड लेकिन जो कुछ शरीर और बदतरीन लोग थे अल्लाह ताला की लानत हो उन पर उसमें से एक था अलगा उसने उस्मान अफान के चेहरे को स्ट्राइक किया एक और आयरन पीस से और जब उनके चेहरे पे वो लगा तो उनके चेहरे से खून बहना शुरू हो गया और जब खून पर कतरा गिरा तो सूरह बकरा की एक आयत पे गिरा और वो आयत थी फस यकफी का वह समीम फस यकफी का अल्लाह ताला विल सफाइस टू सफाइस यू अगेंस्ट देम अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे वह अल-अलीम वो हर चीज़ को सुनने और जानने वाले हैं मोहम्मद बिन अबी बकर दाखिल हुए और उन्होंने स्वामी फान की दाढ़ी को पकड़ा तो स्मान ने कहा कि बियड बिकॉज योर फादर यू रिस्पेक्ट माई बीड क्योंकि तुम्हारे बाप मेरी इस दाढ़ी की बहुत कदर किया करते थे और उनको हया और शर्म आई और वो भाग गया और वो तौबा कर दिया और फिर कभी वापस इस फितने का शिकार नहीं हुआ लेकिन जो बदतरीन शख्सान के, के दिल में आप हेटरेट देखें मुसलमानों के लिए और मुनाफिक के दिल में नफरत देखें मोमिन के लिए कि वो आया और उस्मान के ऊपर चढ़ गया और नौ दफा उनको स्टैप किया और कहा कि तीन दफा अल्लाह के लिए और छः दफा जो मेरे दिल में नफरत है तुम्हारे लिए उसकी वजह से तुम्हें you know, uh, उस्मान शहीद कर दिया उनको और जो उस्मान का जो खून गिरा था सूरह बकरा की इस आयत अल्लाह वो आज भी में एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है तो आज भी उस म्यूजियम पड़ा हुआ है जिसमें उनका ब्लड उस जगह पे गिरा हुआ है जहाँ पे कुरान की आयत है फसल यकफी कहमल और शरीर थे कि घुसे और तमाम बेतुलमा से चीज़ें चोरी कर लें और उनके घर में जो कुछ था वो चोरी कर लिया और उस फान का जनाजा पब्लिक में होने नहीं दिया ताकि मुसलमानों के इमोशंस कहीं स्टेड ना हो जाए जस्ट टू स्टॉप द मुस्लिम और कुछ ही साहबा को इजाजत दी कि वो रात के अंधेरे में उनको दफना दें उन पर जनाजा पढ़ें और बकील रकत उसमें भी दाखिल करने की इजाज़त नहीं दी और कहा इससे बाहर दा, आ, दफन किया जाए क्योंकि वी डोंट वॉन्ट के इन खलीफा का यहाँ पे कबर हो ताकि मुस्लिम्स के एफिलियन इनके साथ हों एंड रूल देवर टेरेबल एंड फिलपुल लेकिन सुबह का करना देखें कि जब वकील रकत एक्सटेंड हुई और फैली तो उस्मान की जो कब्र मुबारक है वो अभी बकरी में ही आ गई और ये तमाम के तमाम लोग ये तमाम के तमाम से फरमाते हैं अल्लाह तुम उस्मान रद्ला देवर मर्डर आखिर अंजाम है ही है इस दुनिया में भी उनको मर्डर किया गया ऑफ देम। वो जो फेमस हदीस है जिसमे रसोलम का साहबा मस्जिद में इंतजार रहे थे और इस आखिरी हदीस में खत्म करूँगा। तो साहबा जब अल्लाह का इंतजार करे तो बेचैन हो जाते कि आप क्यों नहीं अभी तक तो निकल लेट्स फाइंड एंड गो एंडलम अब मूसल आयशरी उठे निकले और अल्लाह के बी को ढूंढते ढूंढते बाग में गए तो वहाँ पर रसुल्ला

और कहते हैं कि मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया untill the door knocked देखा कौन है अबुबकर कहते हैं मैं हूं कहते wait let me ask सुल्ला सल्लल्ला जब रसूलुल्लाह के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा ये रसूल अबुबकर आए हैं तो ने कहा उनको इजाजत दो अब व अबशिरहु بالجन्नह और उनको जन्नत की بشارت दो give him the glad tidings of paradise तो ने गए और उनको भेज दिया अबू मसल शरीर कहते हैं कि आई विश के मेरे मैं दुआ करता कि मेरा भाई इसके बाद दाखिल हो ताकि उसको भी जन्त की बिशारत मिल जाए क्योंकि वो ही लोग दाखिल होंगे अभी जो बड़े नसीबों वाले हैं जो बड़े फॉर्चून वाले हैं जो बड़ी क़र मंज़िलत वाले हैं फिर कौन आए उमर अबाब जब दाखिल हुए तो अल्लाह की मुझसे परमिशन लिया और कहा वो आप शेर हो बिल और उनको जन्नत की बिशारत दो

उस पर जो मुश्किल हालात आएंगे और जो मुसीबत आएगी उसकी उनको बता दो कि तुम्हारे पे बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं और जब वो दाखिल हुए तो अल्लाह के वो बकरी राइट पे बैठ गए उम्र ख़िताब अल्लाह के मेरी लेफ्ट पे बैठ गए और औरमाम खान को अल्लाह के केसम के साथ बैठने की जगह नहीं मिली तो षमाम खान बिल्कुल सामने बैठ गए तो तबइन फरमाते हैं कि वो जो स्टेट थी तीनों सहाबा की हम उसको ऐसे देखते हैं कि जैसे वो आपस में जिस तरह दफनाए जाएंगे कि उसमाम नफान और करीब जगह नहीं मिली और वो अल्लाह के सिस्टम से कुछ देर की फासले पे कुछ सामने बकील कर सकते हैं दफन हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिकुल नबी रफीक फिल जन्ना व रफीकी فيها उस्मान हर नबी का एक करीबी दोस्त एक कंपेनियन होगा जन्नत में और मेरा दोस्त करीबी दोस्त जिन्नत में कौन होगा उस्मान बिन अफान रद्दीर तलान हो दिस वॉज हिज स्टैटस इन कैलेबर द क्वेश्चन इज हाउ मच डू वी मिस देयर प्रेजेंस हम किन लोगों के साथ होना चाहते हैं क्यामत के दिन हम किन लोगों के साथ होना चाहते हैं महशर के मैदान में हम किन लोगों के साथ होना चाहते हैं हौज कौसर पे किन के साथ होना चाहते हैं पुल से रात के ऊपर से गुजरते वक्त कंतरा पे हम किन का साथ होना चाहते हैं और जन्नत में हम किन का साथ चाहते हैं क्योंकि अलमर उमन अहब अब अलमर उमन अहब इंसान उसी के साथ होगा जिसे वो मोहब्बत करता है द क्वेश्चन इज हम किसे मोहब्बत करते हैं एंड आई लीव यू विद दिस क्वेश्चन एट योर प्रायोरिटीज हम किन से मोहब्बत करते हैं अगर तो हम इनसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो वी दे डेड और हमें इस दीन को ले के अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक गुजारना होगा और जो हो गया उससे अल्लाह से माफी मांगें और आइंदा जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे और दीन पे गुजारें ताकि हम इन लोगों का साथ हों हमें लोगों का साथ नसीब हो क्या ही बेहतरीन लोग हैं ये लोग नमतों वाले कर्म वाले मेरे नबी जिन वद्दीन व शहदा वाले रफीका। में से यानी सच्चे लोगों में से सालीन और शहदा में से हमें भी उन लोगों का साथ नसीफ़ फरमाए और हमें भी उनसे सच्ची मोहब्बत करने की तफीक दे बारफीकम्समैकुम वरहल वर्कूँ